दुबई, न जाने कितने लोग वहां जाते हैं अपने अर्थ को सहारा देने, पर क्या वो अपने परिवार को पैसा और आर्थिक समृद्धि दे पाते हैं? वहां का माहौल ही कुछ अलग है। सपनों की चाहत इंसान को सात समंदर ले तो जाती है, पर क्या सपने पूरे हो पाते हैं? ये सवाल उससे पूछा जाए जो वहां रहा है और गया है, तो समझ में आता है कि घुटन और बंदिशों ने आदमी को रोबोट बना दिया। वहां एक शख्स दुबई गया अपने परिवार को सहारा देने, पर बेवसी ने भारत खाली हाथ लौटाया तो निश्चय किया अपने देश में ही सफलता और आय को ढूंढने का। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी शेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया, जिसके बने डायमंड लीडर मिस्टर राजकुमार यादव। ग्राम पोस्ट बलौली मेहदावल, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। वो जगह जहां से एक बालक ने अपने सपनों को देखना शुरू किया। यहीं रहते थे श्री फूलचंद यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अजोरा देवी, जो खेती कर अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। चार लड़के एक लड़की। इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र का जन्म 16/12/1986 को हुआ, जिन्होंने 1 से 8 तक की शिक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय बलौली से ली, फिर दिग्विजय नाथ इंटर कॉलेज से इंटर पास किया। इसी बीच मात्र 15 साल की उम्र में राजकुमार का विवाह सुमित्रा देवी से 5 फरवरी 2001 को हो गया। मात्र 15 साल उम्र थी तो गौना बाकी था। 12वीं की इंद्र सेना इंटर कॉलेज से, अब आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए प्रयास किया, पर बार बार असफलता हाथ लगी तो आय के लिए देश को छोड़ दुबई चले गए। वहां काम किया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर। न पैसा इतना था कि परिवार को चला पाए और ना आजादी थी। वो एक घुटन महसूस कर रहे थे तो 3 साल बाद अपने देश भारत चले आए तो अपने खेतों में खेती करना शुरू कर दी। गांव था तो सोचा क्यों ना प्रधानी का चुनाव लड़ लिया जाए, पर वहां भी असफलता हाथ थी। अब आय का नया स्रोत ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। तब नजर पड़ी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी शेफ शॉप को समझा, साथ साथ खेती करते, खेतों में फसल बोते। इधर खेत में फसल लहला रही थी, परिवार में खुशी, निधि, परी और शुभम अपने पैरों में चलना शुरू कर चुके थे, जो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी का एहसास करा रहे थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था तो उन्होंने थोड़ा सा और समय नेटवर्क मार्केटिंग को देना शुरू किया।
लोगों से मिलते, उन्हें समझाते, पर लोग नकार देते। हताशा कहीं ना कहीं दिमाग पे मौजूद थी। मुझसे मेरा जहां अपलाइन ने सहारा दिया और उनके गुणों को तराशा। समय गुजरता गया। कई ना के बाद एक हां का सूरज उगा। अब दिल में एक खुशी थी। समय गुजरता गया। 10,000 की टीम बनी और आज बने सेफ शॉप बिजनेस कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर राज कुमार यादव। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम भोजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाते है आकाश चुका दे, भूख मारे सूरज को बचा दे, मंजिल में अपने रब्ते को